भिवानी में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। लगभग 700 के आसपास आशा वर्कर भिवानी में इस आंदोलन में जेल भरने के लिए पहुंचे। इतनी संख्या में आई आशा वर्करों के लिए प्रशासन ने टेम्पररी जेल बनाई थी, जिसमें आशाओं को गिरफ्तार करके वहां ले जाने की बात प्रशासन ने की है। आज आशा वर्करों ने उन्हें कर्मचारी का दर्जा दिए जाने व वेतनमान 26,000 रुपये किए जाने की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। आज हमारा हड़ताल का 49वां दिन है और हमने सरकार की उठक बैठक देख के आज जेल भरो आंदोलन का मन बनाया है और पूरी तरह से जेल भरेंगे, गिरफ्तारियां देंगे, गिरफ्तार होके रिहा नहीं होंगे, हम जेल में जाएंगे, चाहे हमारे को कितने दिन की भी सजा दे दे। जब तक हमारे प्रतिनिधिमंडल को मेज पर बातचीत के लिए नहीं बुलाती है सरकार, तब तक हम जेल में ही जाएंगे। और हम जेल प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जेल में अच्छा सा प्रबंध कर ले। हमारी सैकड़ों महिलाएं आज पूरी तरीके से जेल भरेंगी और हम बीडी गुप्ता पार्क में बिल्कुल नहीं जाएंगे। नई जेल बनी है जो उसमें हमारी बहनों को बैठाने का काम करे, हम सभी बहनों को गिरफ्तार करने का सरकार काम करे, हम वापिस नहीं आएंगे। आर पार की लड़ाई रहेगी, क्या आर पार की लड़ाई रहेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो ये सरकार जिस तरह के भी हथकंडे बढ़ाएगी, हम उनका सभी का मुंह तोड़ जवाब देते चले जाएंगे। और जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती, हमारी जीत निश्चित, 26,000 न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा और ये नियमित जब तक मिल जाता, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम ये ठोस शब्दों में कहना चाहते हैं और आने वाले 2024 में हम इनको दिखा देंगे आशा वर्कर क्या चीज है। हमने अपने पूरे गांव में इनका बहिष्कार शुरू कर दिया है और आज हमारी अगर ये बात नहीं सुनते हैं, इनकी पोल खोलो अभियान हमने पहले भी शुरू कर रखा है और आगे भी इनका पोल। गरीब बहनों की बात सुने सरकार, सरकार को सद्बुद्धि आए, हमारी बातें सुने। बहने बहुत परेशान है, इतने लंबे समय से हमारी बात को दबाया जा रहा है, हमारी आवाजों को बुलंद नहीं किया जा रहा, हमारे को धमकाया जा रहा, डराया जा रहा है। हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, जोश है, जो भी हमारे ऊपर सजा होगी हम उसे भुगतने के लिए सभी बहने तैयार हैं। जो आशा वर्कर की जो 49 दिन हड़ताल चल रही है, 49 दिन हो गए सरकार बातचीत नहीं कर रही, इनकी मांगों के ऊपर विचार नहीं कर रही, न इनका डेलीगेशन बुलाया नहीं जा रहा, उसी आकर उसको देखते ही आज आशा वर्कर की राज्य कमेटी ने फैसला किया है कि पूरे हरियाणा के अंदर आज आशा वर्कर लगभग 20,000, प्रदेश की सरकार भी मान रही है कि 20,000 आशा वर्कर आज जेल भरेंगी और जेल भर के ही हम दम लेंगे। अगर सरकार ने जेल की बजाय और कहीं ले जाने की कोशिश की तो हम भी और आशा वर्कर भी, तमाम आशा वर्कर इसका प्रशासन का विरोध करेंगी, हम ये कहना चाहते हैं। आज भिवानी जिला में लगभग 800 के करीब आशा वर्कर हैं और हमारी हाजिरी रजिस्टर में 790 की हाजिरी है और प्रशासन भी कह रहा कि 750-760 की हाजिरी है, तो लगभग 750 आशा वर्कर आज गिरफ्तारी दे रहे हैं पूरे भिवानी जिला में। इसी तरह दूसरे जिलों में भी गिरफ्तारी है, लगभग 20,000 आशा वर्कर पूरे हरियाणा में गिरफ्तारी देंगी। लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ इतनी बसें मुहैया करवाई गई है, 800, हमने प्रशासन को बोल दिया है कि एक सीट पे एक ही महिला आशा वर्कर बैठेगी, 50 की सीटिंग, 50 आशा वर्कर बैठेंगी। अगर जरूरत पड़ी, प्रशासन ने कहा है जितनी बसों की जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन बसें मंगवाएगा, हम ऊपर नीचे बैठकर नहीं जाएंगे और किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, अनुशासन में रहकर आंदोलन को जीतेंगे। अक्सर देखने में आता है कि यहाँ से तो गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनको छोड़ दिया जाता है, देख इस तरह महिलाओं को जो परेशानी होगी उसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, मतलब ये महिलाओं के कह तो रखिए, मतलब महिलाओं के लिए तरह तरह के मतलब वो कार्य कर दिए हैं, अभी लोकसभा में बिल भी पास किया गया है, पूरा देश भी धन्यवाद कर, हम भी कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आशा वर्कर आज हड़ताल पे हैं, इनसे भी बातचीत कर लीजिए, विदेश की महिलाएं हैं। दूसरी बात, हम अस्थायी जेल में नहीं जाएंगे, हम जेल में जाएंगे, ये कन्फर्म है हमारा और आशा वर्कर की जिला प्रधान सेक्रेटरी, पूरी जिला कमेटी का निर्णय और स्टेट कमेटी का भी निर्णय है कि हम जेल में जाएंगे। जो आशा वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर आज गिरफ्तारियां दी हैं और आज हमने इनको भारी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं इनकी, और इनको बीडी गुप्ता जो पार्क है वहां पर हमने टेम्परेरी जेल बनाई है, वहां इन लेडीज़ों को लेकर वहाँ बिठाएंगे, वहां पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी संख्या होगी इनकी जो गिरफ्तारी? मोस्टली इनकी 740 के आसपास, इसके लगभग महिलाएँ हैं हमारे पास।